मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हैं, हम भी बढ़िया होंगे। तो गाइस, दिन के बज रहे हैं 10 और आज काफी दिन के बाद हमारे यहाँ धूप निकला है। तकरीबन 5-6 दिन के बाद धूप निकला है, तो हम नहा धोवा के फ्रेश हो गए हैं और हम चलेंगे धूप का मजा लेने। तो आप हमारे साथ बने रहो। अभी मेरे साथ है मेरी बेटी गुनू, ये देखिए, और हम लोग निकले हैं सैर सपाटे के लिए। इसका जो घूमने का टाइम होता है यही होता है, और ये हम एक गांव के आसपास एक चक्कर लगाते हैं। और गाइस, मेरे पीछे आप देख सकते हैं लहलहाते खेत, और इसमें अभी है गेहूं और सरसों की फसल। तो सरसों जब ये 15-20 दिनों के बाद जब ये फूल जाएगा, फल इसमें फूल हो जाएंगे, तब ये बहुत एक सुंदर दृश्य बनेगा। हम आपको दिखाएंगे आने वाले ब्लॉग्स में ये जो सरसों के खेत हैं। और गुनू, कहाँ चलना है? पत्थर मत उठा, पत्थर उठाए किसको मारोगे? कुत्ते को मारोगी? तो ये अपने हाथ में पत्थर उठा लिया इसने पानी में फेंकने के लिए। जैसे ये पानी मिलेगा गुन्नू उसमें, अरे वाह, पत्थर फेंकने के लिए तैयार। और गुन्नू और क्या? तो दोस्तों, टहलते टहलते हम पहुंच गए हैं अपने गांव के चौक पे, और यहाँ पे दुकानें अभी बंद हैं। तो गुन्नू जो है ये इधर उधर कूद फान रही है। गुन्नू इधर वापस आ जाओ। तो गुन्नू जो है किराने के दुकान पे ये लेज के तरफ इशारा करेगी, लेज। तो दोस्तों, सैर सपाटे के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं अपने घर पे वापस, और अभी हम जो है धूप में बैठेंगे और धूप का आनंद लेंगे। तो अब गुन्नू यहाँ पे खेलेगी और मैं बैठूंगा धूप में। गुन्नू खेलो तुम, मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ। तो गाइस, हम लोग बैठे हैं धूप में और हमारे साथ हैं अंकित और अनुष्का, तो इनसे बातें करते हैं। अंकित अभी अभी मोतिहारी से आया है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा मोतिहारी का कैसा रहा। तो अंकित बताओ, कैसा एक्सपीरियंस रहा मोतिहारी का? हाय गाइस, मैं 2-3 दिन से मोतिहारी गया हुआ था दीदी के पास, और वहाँ था और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, बाहर ज़्यादा नहीं निकल पा रहा था वहाँ से। और एक दिन टाइम मिला तो गया था घूमने के लिए थोड़ी बाहर, और मोतिहारी का सबसे फेवरेट प्लेस डिनर के लिए जसवाल मीट हाउस में गए थे लोग। वहाँ मतलब वहाँ डिनर उक करके फिर वहाँ थोड़ा घूम फिर के फिर आ गया घर पे, और बहुत ठंड मौसम थी तो बाहर कहीं निकल नहीं पा रहे थे हम लोग। तो यही सब। तो गाइस, ये था एक्सपीरियंस अंकित का मोतिहारी का। तो मोतिहारी से आते आते थोड़ा ठंड लग गया था, क्योंकि ठंड उस दिन ज़्यादा था। और अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा सा गांव के, हमारे गांव के पीछे एक चौक है महादेवा चौक, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर हम लोग कुछ स्नैक्स का बंदोबस्त करेंगे। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस, अब हम तैयार हैं और हम लोग निकल रहे हैं महादेवा पोखरा चौक के लिए। तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं समोसा लेने के लिए। तो चलिए, आपको रास्ते का भी व्यू देते चलते हैं। सो आपको हम रास्ते का भी एक छोटा व्यू देते चलेंगे कि कैसा रास्ता है उधर जाने का। सो चलिए हमारे साथ। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं महादेवा पोखरा चौक पे, और आप मेरे पीछे जो पोखरा देख रहे हैं ये महादेवा का पोखरा है, और ये इतना बड़ा पोखरा है, तकरीबन 12 बीघा का पोखरा है। और हमारे यहाँ का छठ, 4-5 गांव का छठ यहीं पे होता है, और आज तक लोगों को पता नहीं है पोखरा खुदवाया किसने है। ये बहुत ही प्राचीन पोखरा है और ये गवर्नमेंट के अंडर में है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है महादेवा का मिडिल स्कूल, और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। सो ये मिडिल स्कूल है, और ठीक सामने हमारे है कुछ शॉप दुकान, तो वहाँ चलते हैं, देखते हैं समोसा गर्म है या नहीं। तो गाइस, हम लोग ले रहे हैं यहाँ से लिट्टी और समोसा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पैक हो रहा है हमारा लिट्टी समोसा। तो ये महादेवा पोखरा का दुकान है, और यहाँ से हम लोग हमेशा लिट्टी समोसा लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग खा रहे हैं यहाँ का फेमस लंगलती, बहुत ही टेस्टी लंगलती है। दुकान तो देखने में छोटा है, लेकिन यहाँ का मिठाइयाँ समोसा प्योर होता है, बिल्कुल प्योर। तो गाइस, हमने समोसा ले लिया है और लिट्टी भी लिया है साथ में। तो अब हम लौट रहे हैं घर के लिए। तो घर लौटते हुए आपको अब हम इस रास्ते का व्यू भी दिखाते चलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए।
गाइस समोसा लेके हम घर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे टेबल पे जो है, समोसा और लिट्टी है। तो अभी इसको हम खाने वाले हैं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव मूड में, तो हम देखते हैं कि कौन कितना जल्दी खाता है। चलिए तो आप लोग एक एक लिट्टी और समोसा उठाइए उठाइए अंकित जा उठाओ उठाओ एक लिट्टी एक समोसा और देखते हैं इसको कितना जल्दी कौन खाता है। उसका ही जीतेगी, उनका समोसा खत्म, लेटे भी खत्म होने वाला है। विनर कभी सुने नहीं ट्राई कर, जो विनर होगा वो अगली बार समोसा खिलाएगा। जो भी विनर है वो अगली बार समोसा खिलाएगा। तेरे को इससे अच्छा तो लेट ही खा दे। तो गाइज हमारा समोसा पार्टी देखा आपने, हमने समोसा खाया और किया थोड़ा सा आराम, फिर उसके बाद हमने जब हम उठे तब चाय हमने पिया और अभी थोड़ा सा अभी शाम हो गया है तो चलते हैं नीचे, नीचे चल के कुछ काम करेंगे और फिर खाने का तैयारी। तो आप गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, आपने लाइक्स और कमेंट्स दीजिएगा और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस घड़ी में बज रहा 11:30 और हमने डिनर कर लिया है, आई होप आप सबने भी कर लिया होगा। तो अब करते हैं सोने की तैयारी। सो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।